हेलो नमस्कार सलाम सत श्री अकाल जय जोहार। तो मैं छत्तीसगढ़िया हेम भारत साइकिल यात्री आपका स्वागत करता हूँ नए वीडियो पे। और आज हम लोग पहुँच गए हैं इस वक्त चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ की किला देख सकते हैं मेरे सामने मौजूद है। और इस तरीके के जो 7 दरवाजे हैं पार करके हमें जाना पड़ेगा पूरा ऊपर पे टॉप पे, तो इस तरीके का 7 दरवाजा पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि जो ये जो किला है 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। खाली लंबाई चौड़ाई का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऊपर में आपको पूरे गाइड के साथ में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको दोबारा जब भी आप यहाँ आए गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए मिलते हैं गाइस ऊपर पे। तो भाई साहब बंदर अभी सो रहा है, मैं ऊपर आया हूँ, देखिए एकदम ध्यान से सो रहा है। किला में बस एंट्री कर ही रहे हैं अभी हम लोग, और ये देख सकते हैं यहाँ से मैं 3 दरवाजे क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और यहाँ से फिर उतने ऊपर चढ़ाई है। और ये देख सकते हैं पूरा सिटी यहाँ से बेहतरीन लग रहा है। तो है गाइस अभी 3 किलोमीटर का चढ़ाई पार करके हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है उसके टॉप पे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर मिलता है टिकट, ये टिकट काउंटर है, पर पर्सन 40 रुपीज। अगर वो फॉरेनर है, विदेशी व्यक्ति है, तो उसका 600 रुपया पर हेड का चार्जेस है। आइए इनसे मिलते हैं, सर है। तो सर आपका गुड नेम क्या नाम है? मायसेल्फ इज उमेश सिंह। सो फर्स्ट इज योर मोस्ट वेलकम हियर सर, योर गुड जर्नी हियर, एंड आई एम वर्किंग एज अ गाइड हियर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़ इज अ वेरी फेमस फॉर द ब्रेवरी ऑफ रूलर्स। Our king was very bright, they never accept friendship rather than the sacrifice in the war, but never head down. That is why this region is still known as a pure warrior state, the Mewar states. So you're most welcome here, sir. Thank you so much. Enjoy your day and have a nice journey. Thank you, sir. तो देख सकते हैं गाइस यहाँ जो अभी सर जो थे वो गाइड है यहाँ के, और सचमुच में हमने बहुत उनके बारे में सुना है। वो एक महान योद्धा थे और पढ़ा भी है बहुत सारे, और अभी जो उदयपुर से होके आए वहाँ भी उनके बहुत सारे इतिहास को हमने जाना, और हमें अवसर मिला है एक और बार जानने का उनके, जहाँ वो रहते थे, जिस फोर्ट में, जिस किला में उन्होंने रहा है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक्सप्लोर करेंगे। इस किले को बापा रावल ने जीता था, वो केम फ्रॉम द गुजरात स्टेट। सो बापा रावल वॉज द फाउंडर ऑफ दिस फोर्ट, द वॉरियर डायनेस्टी, विच वॉज लेटर नोन एज द सिसोदिया डायनेस्टी। सो 800 ईयर्स दिस फोर्ट वॉज रूल्ड बाय द सिसोदिया रूलर्स। 800 सालों तक यहाँ पर राजपूत राजाओं ने रूल किया सर। उसके बाद में 16th सेंचुरी में व्हेन द मुगल एम्परर अकबर अटैक ऑफ दिस फोर्ट, आवर लास्ट किंग हिज नेम वाज उदय सिंह जी, द ग्रेट फादर ऑफ द महाराणा प्रताप, ही वाज शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम हियर टू कुंभलगढ़, देन ही फाउंडेड न्यू सिटी व्हिच वाज लेटर नोन एज उदयपुर सिटी। सो स्टिल द सेम डायनेस्टी ऑफ दिस फोर्ट, दे लिव इन उदयपुर, एंड दिस फोर्ट इज अंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the government maintain of this fort, and this is the world heritage site also, sir. With the invader site, like Jaipur, Jodhpur, Bikaner, all the Maharaja with the invader site. लेकिन यहाँ के मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनिस्था स्वीकार नहीं की। उन्होंने फॉरेस्ट में रहकर अपने 23 साल तक अकबर की सेनाओं से संघर्ष किया, लेकिन कभी राणा प्रताप उनके सामने झुके नहीं। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को घास की रोटी खिलाई, लेकिन अपनी आन बान और शान के लिए जिए, उसी के लिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहे। तो एक मेवाड़ के महाराणा प्रताप और एक महाराष्ट्र के शिवाजी, उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत बड़ा इस जमाने में काम किया। इसीलिए मेवाड़ के राजपूत राजाओं का इतिहास में नाम अमर है। सो चित्तौड़गढ़ बहुत फेमस माना जाता है शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान, जौहर और सती के लिए, और राजपूतों की वीरता के लिए। सेक्रीफाइसेस की जब हम बात करते हैं तो पन्नाधाय का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है यहाँ। पन्नाधाय एक रॉयल नर्स थी जो राजकुमारों की देखरेख किया करती थी। तो जब महारानी कर्णावती ने जौहर किया, अपने आप को आग के हवाले कर लिया, तो अपने सन उदय सिंह जी को पन्नाधाय के हैंडओवर कर दिया, और उन्होंने बुलाया मेवाड़ का होने वाला शासक बनेगा, आप इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप कर जा रही हूँ। पन्नाधाय ने उदय सिंह जी को अपने सन से बढ़कर प्यार किया और पालन पोषण उनका किया।
धीरे धीरे जब उदय सिंह जी बड़े होने वाले थे तो एक बनवीर नाम का व्यक्ति था जो उदय सिंह जी को मारकर इस किले का राजा बनना चाहता था। ये बात जब पन्नाधाय को पता चली कि आज शाम बनवीर होने वाले महाराणा की हत्या करके इस किले पर राजा बनने का सपना देखने की कोशिश कर रहा है, तो पन्नाधाय ने अपने विश्वसनीय लोगों के साथ उदय सिंह जी को फूलों की बास्केट में बिठाकर कुंभलगढ़ भिजवा दिया और अपने सन उदय सिंह को, अपने सन चंदन को उन्होंने उदय सिंह जी का ऑर्नामेंट्स पहनाया, ड्रेसअप पहनाया और उदय सिंह जी के बेड पर सुला दिया। जैसे शाम के समय में बनवीर आता है हाथ में तलवार लेकर के और पन्ना से पूछता है कहाँ है उदय सिंह, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पन्नाधाय इशारा करती है कि वो अपने रूम में सो रहे हैं बेड पर। बनवीर जाता है, उसकी आंखों के सामने उसके बेटे चंदन को उदय सिंह समझकर उसके सामने तलवार से उसके दो टुकड़े कर देता है, लेकिन पन्नाधाय के मुंह से चीख तक नहीं निकली, आंखों में आंसू नहीं आने दिए उन्होंने। उनको पता था अगर मैं जरा से भी विचलित हो जाऊंगी तो बनवीर को पता चल जाएगा और ये उदय सिंह जी को फिर से मरवा डालेगा। तो अपने होने वाले राजा को बचाने के लिए पन्नाधाय ने अपना सन का सेक्रीफाइस कर दिया। आज कोई भी माँ अपने बेटे को पिन भी नहीं चुभने देती है, तो उस समय इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, उसी सेक्रीफाइस की वजह से मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी बचे और उदय सिंह जी के बाद उनके ग्रेट सन हुए थे महाराणा प्रताप, जिनकी वजह से हिंदुत्व का आज भी परचम लहराया जाता है पूरे विश्व में सर। वैसे ही और फेमस है चित्तौड़गढ़ का किला जौहर के लिए। जौहर मीन्स व्हेन आवर किंग और वॉरियर्स द सेक्रीफाइस इन द वॉर, देन आवर राजपूत वुमन्स एंड महारानीज किल हर सेल्फ थ्रू इन द फायर बिकॉज हर टू सेव हर ऑनर एंड रेस्पेक्ट। तो इन्वेडर्स लोग इतने क्रूअल होते थे कि हमारी बहन बेटियों, माँ बहनों के साथ रेप कर सकते थे, उनको अपने साथ में ले जा सकते थे। इसीलिए जीते जी यहाँ की राजपूत महिलाएं अपने ऑनर, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हजारों की संख्या में आग में कूद के अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया, ना कि किसी इन्वेडर्स के हाथ लगे, जो कि जौहर के नाम से जाना जाता है। सो थ्री टाइम्स जौहर वॉज हैपेंड ऑफ दिस फोर्ट। फर्स्ट टाइम व्हेन द अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑफ दिस फोर्ट हु केम फ्रॉम अफगानिस्तान, तब यहाँ की खूबसूरत महारानी पद्मिनी ने अपने आप को जौहर की ज्वाला में जला लिया 16,000 हिंदू महिलाओं के साथ। 16,000। दूसरा जौहर इस किले पर हुआ था 1535 में व्हेन द गुजरात सुल्तान बहादुर शाह अटैक ऑफ दिस फोर्ट, तब यहाँ की महारानी कर्णावती ने 13,000 हिंदू महिलाओं के साथ आग में कूद के जान दी, जो सेकंड जौहर के नाम से जाना गया। देन लास्ट जौहर इस किले पर हुआ था 1567 में व्हेन द मुगल एम्परर अकबर अटैक ऑफ दिस फोर्ट। अकबर के समय में 7,000 हिंदू महिलाओं ने यहाँ आग में कूद के जान दी, जो कि तीसरा जौहर के नाम से जाना जाता है। ये जौहर अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत साहस और हिम्मत की जरूरत होती है। तो राजपूत महिलाएं, बहन बेटियां, माताएं अपने ऑनर को बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया कि ऐसा माना जाता है कि जब तक हिंदू सभ्यता रहेगी तब तक जौहर को हम लोग याद करते रहेंगे। तो ये गाइस ये है कुंभा पैलेस जहाँ राजा लोग रहते थे, तो अभी इसके अंदर हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। ये है गाइस कुंभा पैलेस, ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ये, और यहाँ मिलता है सिक्योरिटी चेक पोस्ट। पहला सबसे पहले आपको सबसे पहले मिलवाता हूँ हमारे गाइड से, आप आइए उनसे रूबरू करवाते हैं आपसे। हाँ यस सर, सबसे पहले शक्ति भक्ति त्याग बलिदान और जौहर की नगरी में आपका स्वागत है, वेलकम पधारो हमारी देश। हमारे इस किले का निर्माण चित्रंगा मौर्य द्वारा निर्मित है, मौर्य गुजर होते थे, उसके बाद में 7th century बापा रावल गुजरात इधर से थे, उन्होंने मान्य मोर को हरा के सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। क्षत्रिय तो उनमें गोत्र होती चुंडावा शेखावा सक्ता जैसे सिसोदिया सिसोदिया, उन्होंने मान्य मोर को हरा के सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। ये जो सारा राज परिवार है सिसोदिया वंश से है। सिसोदिया वंश ने मेवाड़ के ऊपर 1200 साल तक राज किया था, सबसे ज्यादा राज करने वाला सिसोदिया वंशी था।
उसके बाद में इस महल को 1433 कुंभा पैलेस बोला जाता है। महाराणा कुंभा ने हमारे मेवाड़ के ऊपर 33 साल तक राज किया था, उनका स्वर्ण काल था। ज्यादातर जो आप आगे निर्माण देख के आए हैं वो महाराणा कुंभा के कार्यकाल के थे, क्योंकि 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी ने बुरी कदर डैमेज किया था फोर्ट को, तो कुंभा ने सारा जीर्णोद्वार कराया, इसलिए कुंभा का स्वर्ण काल भी माना जाता है। अभी पैलेस में जो एंट्री हुआ अपना सिडियानी स्लैप है। महाणा के जो सात घोड़े होते थे, घोड़े बहुत सारे होते थे, लेकिन जो मेन सात घोड़े होते थे सोने के रथ के अंदर जुटते थे, स्पोर्ट का पूरा राउंड होता था, ये आपके पीछे अस्तबल है। पैलेस में जो आप लोगों ने एंट्री किया ना सर, जी बिल्कुल, घोड़े के चढ़ने का रास्ता है। मेन दरवाजा आप दिखूंगा मैं आपको, इनकी प्रेयर पूजा होती थी, पूजा के वक्त में नगाड़े बजा करते थे। ये जो आप टावर देख रहे हैं इसे बोला जाता है नगाड़ खाना। इन घोड़ों को यूज नहीं किया जाता था, सवारी नहीं होती थी, क्योंकि सूर्य के साथ घोड़े पवित्र माने जाते थे, पूजा करने के बाद में बांध दिए जाते थे। वो बिल्कुल फ्रंट पे बड़ा झरोखा, सन बालकनी, सूर्य झरोखा, प्रभु रामचंद्र के दो पुत्र लव और कुश, लव की संतान माना जाता है, सभी सूर्यवंशी है। हमारे मेवाड़ के अंदर महाणा लगता है, बाकी इधर राजा लगता है। मेवाड़ ने कभी भी किसी की भी दासता स्वीकार नहीं की, अंग्रेज भी हमारे इस मेवाड़ की सीमा को नहीं छू पाए थे, सिर कटाया, किसी के सामने झुकाया नहीं। अकबर करीब करीब सभी को अपनी तरफ मिला चुका था, लेकिन हमारा मेवाड़ नहीं बिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब सारी रियासतों को एकीकृत किया था, जैसे हैदराबाद का निजाम नहीं माना तो उसे अपने तरीके से मनाया गया था, उस समझौते पे सबसे पहले हमारे मेवाड़ ने साइन किए थे, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, महाराणा भोपाल सिंह जी। लास्ट महाराणा भोपाल सिंह जी ने जब रियासतें एकीकृत की गई थी, ये रिकंस्ट्रक्शन है 18th सेंचुरी में, महाराणा स्वरूप सिंह जी ने काफी रिपेयर भी कराया, अब तो ये हेरिटेज साइट है यूनेस्को के अंडर में। नया निर्माण कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही इसको मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे पग पग पे बलिदान है, आदमी जब पहला पैर रखता है एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। जब आप घूम फिर के निकले हैं तरोताजा होके निकले हैं, आदमी किले को पर आके पूछना किला कहाँ है। अभी अपन जमीन लेवल से 600 फीट की हाइट पे घूम रहे हैं, वर्ल्ड का पहला ऐसा किला है जहाँ हर जगह गाड़ी जाता है, बैठना उतरना बैठना उतरना, ऐसे ही पूरा किला विजिट किया जाता है। राजस्थान में जयपुर, जयपुर का जो राज परिवार है वहां लगता है राजा, जोधपुर का जो राज परिवार है वहां लगता है महाराजा, नेपाल का जो राजवंश है वहां लगता है राणा, और मेवाड़ में लगता है महाराणा, क्योंकि नेपाल का जो राजवंश है इसी मेवाड़ का खून है। रावल रतन सिंह जी पद्मिनी के पति, इनके बड़े भाई हुए थे कुंभकर्ण, वो चले गए नेपाल की तरफ, तो नेपाल का राजवंश भी इसी मेवाड़ का खून है। आई अब ये देखिए, ये इस पैलेस का मेन एंट्री है, मेन एंट्री है, मेन एंट्री ये है, इसे बोला जाता है त्रिपोलिया दरवाजा। त्रिपोलिया में तीन पार्ट के अंदर बना हुआ है, इसे बोला जाता है त्रिपोलिया दरवाजा। वो घोड़े के चढ़ने का रास्ता था। हाँ, एक चीज और है, पूरा किला बना हुआ वास्तु शास्त्र में, तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से पूर्व बेस्ट होता है, तो इसका किले का मेन दरवाजा भी पूर्व में ही है, जहां हो सकता है आप होके आए है ना, तो उधर पूर्व उधर ही है ना, तो इसका किले का मेन दरवाजा भी उधर है। अब ये देखिए, ऊपर दो बालकनी झरोखे हाइट पे, इसमें महाराणा और रानी मां बैठा करते थे, नीचे इस बिरादरी के अंदर सामान्य सरदार, इधर प्रजा बैठती थी, दरबार लगता था यहाँ। आज की तारीख में एक लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, जैसा कुंभलगढ़ के अंदर होता है। मेवाड़ के अंदर 84 किले हैं, उसमें से 32 किले महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है, कुंभलगढ़ भी उसमें से एक है। कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को भी मेवाड़ की राजधानी रखा था, वैसे चित्तौड़गढ़ चित्रकूट करके मेवाड़ की राजधानी था। उसके बाद में महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह जी ने 1559 में राजधानी उदयपुर शिफ्ट करने का डिसाइड किया था, लेकिन 1568 तक दरबार इसी कुंभा पैलेस के अंदर लगता था, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा था। इस पैलेस के दो पार्ट है, जनाना मर्दाना, लेडीज जेंट्स, जिस जगह अपन खड़े हैं थोड़ा आगे भी चलेंगे, ये जनाना और मर्दाना एरिया बोला जाता है। ऐसा माना जाता है महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह जी का जन्म इसी महल में हुआ है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 कुंभलगढ़ के अंदर, लेकिन महाराणा प्रताप 4-5 साल इस किले पर रहे भी हैं। अब वो सामने जो बड़ा महल है वो राजरानी मीराबाई का महल है, सबसे बड़ा वाला, नाम जरूर सुना होगा, कृष्ण भक्त मीराबाई है ना, और बिल्कुल उसके पीछे पन्ना धाय, नाम सुना,
पन्नाधाय नहीं होते, उदय सिंह जी नहीं होते, उदय सिंह जी नहीं होते, महाराणा प्रताप नहीं होते। सबसे बड़ा बलिदान पन्नाधाय, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था उदय सिंह जी को बचाने के लिए। ये इसे बोला जाता है नगाड़ खाना, है ना। यहाँ म्यूजिक बजता था जब घोड़ों की प्रेयर होती थी, घोड़े का भी प्रेयर होता था। घोड़े का भी प्रेयर होता था, घोड़े की पूजा होती थी उस वक्त, नगाड़े बजते थे। अच्छा, ये म्यूजिक। ओके ओके। देखिए कुल देवी माँ विराजमान है, आदि माँ शक्ति माँ, माँ पार्वती माँ का रूप है। नीचे बड़े बड़े तहखाने हैं जिनमें रसद गेहूं वगैरह रखा जाता था। अब एक चीज आप नोट कीजिए, जिस हाइट में माताजी विराजमान है, अब आप इससे अंदाजा लगाइए उस वक्त नॉर्मल हाइट क्या होता था। महाराणा प्रताप का हाइट 7.5-7.5 फीट। जब वो अपने परिवार के साथ खड़े होते थे वो बच्चे दिखते थे, उनसे सभी की हाइट 9-10-11-12-13 नॉर्मल हाइट होती थी उस वक्त। 5 पांडव, भीम की हाइट मानी जाती 30 फीट, माँ कुंती की 25 फीट। जैसे जैसे सदियां बीती आदमी शॉर्ट होता जा रहा है। अगर आपने कुंभलगढ़ विजिट किया हो वहाँ विशाल भोले बाबा है, माना कुंभा जो थे बैठ के अभिषेक करते थे, जैसे अपन खड़े हुए जैसे वो बैठे हुए दिखते थे, ये प्रमाण है। उस वक्त नॉर्मल हाइट क्या होती थी, अभी अपन हाथी पे बैठते तो अपने पैर तो हाथी के ऊपर ओदी पे रह जाएंगे। माना कुंभा जब हाथी पे बैठते थे तो उनके पैर हाथी के पेट के टच होते थे। अभी देखिए प्रजेंट में पत्थर लगा रखे, इस पे खड़े होके फिर पूजा की जाती है, उस वक्त नॉर्मल खड़े होके पूजा होती थी। आया समझ में? हाँ, है ना। मेवाड़ के ऊपर 3 बड़े साके हुए, साके मीन्स अटैक हुए, युद्ध हुए। वैसे तो 30 युद्ध हुए थे, 27 मेवाड़ जीता था, 3 में महाराणा वीर गति को प्राप्त हुए थे। हारना नहीं, वीर गति को प्राप्त हुए थे। पहला था 1303 अलाउद्दीन ने पद्मिनी के लिए किया था, दूसरा हुआ था 1535 राणा सांगा बहादुर शाह के बीच में, तीसरा हुआ था 1567 महाराणा प्रताप अकबर के बीच में। हर बार बड़े बड़े जौहर हुए हैं। सती और जौहर के अंदर डिफरेंस, सती अपने पति के साथ अकेले सती होती थी जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। जौहर होते थे लार्ज स्केल पे, ऐसा होता था हमारे मेवाड़ के पास में आर्मी फौज कम होती थी, मुगल विशाल सेना लेके आते थे, महाराणा जब युद्ध के लिए जाते थे वर्षों तक युद्ध चलते रहते थे। उसके बाद में जब महाराणा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे ये बात रानी माँ को मानसिक पता चल जाती थी। उसके बाद में अपने को सेफ करने के लिए रानी माँ अकेले जिंदा चीता के अंदर जंप कर लिया करते थे। उसके पहले से ऑलरेडी एक विशाल तैयार चीता सजी रहती थी, उसके अंदर सैनिकों की पत्नियां, दासियां, अदर लेडीज, रानियां, बच्चे भी आ गए। जब उनको ये पता चलता था रानी माँ जौहर कर चुके हैं, उसके बाद में एक एक करके जिंदा आग के अंदर जंप करते थे, उसे जौहर बोला जाता है। बच्चों को जौहर के साथ इसलिए रखा जाता था, धर्म परिवर्तन का डर होता था, इसलिए जौहर की आग के साथ बच्चों को भी रखा जाता था। वो जगह भी अभी आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा जो रानी माँ पद्मिनी ने इसी पैलेस में अकेले जौहर भी किया था। ये सारा पहले जौहर भी है और यहाँ कुछ भी डैमेज खंडर नहीं है, सारे भव्य थे। आपने देखा होगा मुगलों को अपने से चिकला करते मंदिर पसंद नहीं हुआ करते थे। आगरा का जो ताजमहल बना है उस कारीगर के भी हाथ काट दिए बताए जाते हैं। तो ये सारा खंडित पहले तो अलाउद्दीन ने किया, कुंभा ने इनका जीर्णोद्वार करा दिया, फिर अकबर की फौज ने किया, फिर तो राजधानी उदयपुर चला गया था। अब ये जैसा है वैसा है, हेरिटेज है, नया निर्माण नहीं होगा। अब ये अपन आए लेडीज पार्ट के अंदर, ये वॉशरूम है, वो बाथरूम है, ये रानी माँ का ड्रेसिंग रूम है। हाँ यस सर। अब ये देखिए, हाँ ये ड्रेसिंग रूम। अब ये देखिए 1, 2, 3 तीन फ्लोर है, ये जितना ऊपर जितना नीचे पूरा अंडरग्राउंड। देखिए सेकंड फ्लोर की वो जा रही है सीधा, थर्ड फ्लोर की वो अंदर से जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा किला है, हेरिटेज साइट यूनेस्को के अंडर में, 13 किलोमीटर राउंड, 8 किलोमीटर लंबाई, 2 किलोमीटर चौड़ाई, 700 एकड़ में फैला हुआ है, लिविंग फोर्ट है। 65-70 हजार जनता इस किले पे स्टैंड करती थी, पूरी रियासत ऊपर थी, नीचे गना जंगल था, नीचे कुछ नहीं था। आज भी 4-5 हजार जनता इस किले पे स्टैंड करती है। महाराणा प्रताप मीन्स होता है चित्तौड़गढ़। महाराणा प्रताप ने अपनी सारी जिंदगी इसी किले को बचाने के लिए हल्दीघाटी में संघर्ष किया है।
क्योंकि मुगल मेवाड़ में वहीं से एंट्री करते थे, तो महाराणा प्रताप उनको वहीं रोक के रखते थे। अकबर और महाराणा प्रताप में कभी आमना सामना नहीं हुआ, कभी फ्रंट पर युद्ध नहीं हुआ। तो महाराणा प्रताप की हाइट 7.5-7.5 फीट और उनके जो हाथ होते थे घुटनों से भी नीचे जाते थे, जिससे वो भाला फेंकने में माहिर थे। एज अजान बाहु प्रभु रामचंद्र जी के हाथ भी घुटनों से नीचे। शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप दोनों सगे चचेरे भाई है, कजिन है। सुमेर सिंह सेत सिंह करके दो ब्रदर हुए थे हमारे मेवाड़ के अंदर। एक भाई सुमेर सिंह सतारा महाराष्ट्र की तरफ निकल गए थे। 18वीं पीढ़ी में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। पहले ये मर हटे के लाए, धीरे धीरे इनको मराठा बोलने लगे और शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई ने अपने पुत्र को महाराणा प्रताप के वीरता के किस्से सुना के ही सूरवीर बनाए। महाराणा प्रताप छापामारी युद्ध करते थे, शिवाजी महाराज भी छापामारी युद्ध ही करते थे। सारे किले महाराष्ट्र में हमारे मेवाड़ के पैटर्न पे बने हुए, पहाड़ी पे टॉप पे ये किला बना हुआ है, जमीन लेवल से 590 फीट की हाइट पे। और कुंभलगढ़ बना हुआ है 7,666 फीट की हाइट पे जिरगा पहाड़ी के ऊपर। अगर आप कुंभलगढ़ से नीचे नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा पाली मारवाड़, महाराणा प्रताप का ननिहाल, उदय सिंह जी का ससुराल, जयवंताबाई वहीं के रहने वाले थे। एशिया की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती चीन की, उसके बाद कुंभलगढ़ का ही नंबर आता है। वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। चेटक महाराणा प्रताप का घोड़ा, तीन घोड़े के बच्चे थे, चेटक एटक बेटक। बेटक की तो परीक्षा ली, वहीं शहीद हुआ। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपने लिए चेटक घोड़ा खरीदा, अपने भाई शक्ति सिंह को एटक दिलाया। आज भी हल्दीघाटी के अंदर खारी इमली के नीचे चेटक का समाधि बना हुआ है। 26 फीट का नाला चेटक ने कुदवाया था एक टांग कटने के बावजूद। जब युद्ध होते थे, युद्ध में जितने भी एलिफेंट हाथियों को यूज किया जाता था, उन हाथियों की सूंडों के ऊपर तलवारें बांध दी जाती थी। हाथी अपनी सूंड को हिलाता ही रहता है, तो आगे तलवारें चलती ही रहती थी, तो चेटक बीच में आ जाता है। उसका एक पैर कटने के बावजूद महाराणा प्रताप को उसने 26 फीट का नाला कुदवाया था। पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको कहीं चौपाई की समाधि नहीं दिखेगी, लेकिन आज भी हल्दीघाटी के अंदर चेटक की समाधि विद्यमान है। जब चेटक युद्ध के लिए निकलता था तो उसके मुंह के आगे आर्टिफिशियल हाथी की सूंड लगा देते थे, जिससे हाथी भी कंफ्यूज होकर उस पर अटैक नहीं करता था। चेटक का फिजिक हाथी के बच्चे का जैसा, तो हाथी अपने बच्चे को बहुत प्रेम करता है, तो कंफ्यूज होकर हाथी भी अटैक नहीं करता था। रानी मां पद्मिनी ने अकेले जोर किया था। एक चीज आप समझिए सर, जब सैनिक सरदार युद्ध के लिए निकलते थे तो उसके पहले से ही चिता सजा दी जाती थी, युद्ध से आए ना आए, पूरा सर ढक के, चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती थी। और जो पुरुष होते थे सैनिक, वो केसरिया वस्त्र धारण करते थे, केसरिया बाना। केसरिया कलर का अपना हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है केसरिया कलर। केसरिया वस्त्र धारण करने का मतलब ये कि भाई अब बचने का कोई चांस नहीं है, खून की अंतिम बूंद तक अपने को लड़नी है। उसी वक्त केसरिया वस्त्र धारण किए जाते थे। रानी माँ हमेशा अकेले जोर करती थी। रानी माँ पद्मिनी ने अग्निस्नान यही किया था। ये स्लैब था यहाँ पे, ये गुफा थी, ये नेक्स्ट निकलती थी आगे, जहां आप गए होंगे वहां सारों को आगे भेज दिया जाता था। जब यहां से धुआं निकलता था, भाई रानी माँ ने जोहर कर लिया, फिर सारे एक साथ होता है, एक साथ था, लेकिन 15-20 मिनट का फर्क होता था। तीन जोहर पद्मिनी रावल रतन सिंह जी की धर्मपत्नी, सेकंड राजमाता कर्णावती राणा सांगा की धर्मपत्नी, उदय सिंह जी की मदर महाराणा प्रताप की दादी माँ, और तीसरा क्या था, फूल कंवर ने, फूल कंवर फत्ता जी सिसोदिया जी की जय धर्मपत्नी, जयमाल फत्ता कल्लाजी राठौर। गर्दन कटने के बाद घंटों तक लड़े थे, है ना। अकबर ने भी इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनके स्टेचू लगाए थे आगरा फोर्ट के बाहर, बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिए थे, लेकिन बीकानेर फोर्ट के आज भी जयमल फत्ता के स्टेचू लगे हुए हैं। उसे बोला जाता है जन जौहर, क्योंकि राज परिवार यहाँ रहा नहीं, जनता ने युद्ध लड़ा, इसलिए उसे जन जौहर बोला जाता है। वो टुकड़ों में हुआ था अलग अलग जगह, जिसको जहां जगह मिली वहां जौहर हो गया था। पे 113 हिंदू मंदिर है, 36 जैन टेम्पल है, 84 तालाब है, 24 तालाब कंटिन्यू यूज में भी है। मेन रोड पे भी 5-6 तालाब है, उस आपने उनको विजिट किया होगा, है ना। कुछ प्राकृतिक है, कुछ खुदाई करके बनाए। खुदाई से जो पत्थर निकला था, ज्यादातर इस किले का निर्माण उसी पत्थर से हुआ है। तालाब भी बन गए, पत्थर भी यूज आ गया। ये सारा लाइम स्टोन होता है नरम, मशीनरी नहीं, छीनी हो थोड़ा। पूरा किला इंटरलॉकिंग, लॉकिंग मीन्स ये नीचे वाला पत्थर है, इसमें एक होल है, ऊपर वाले पत्थर का होल में डाल रखा है। अपनी अभी जो राम मंदिर बन रहा है, इसी टेक्नोलॉजी पे बन रहा है, इंटरलॉक हजारों साल।
जो सामने गोल बुक देखिए उसे बोला जाता है नौलखा भंडार। हाँ, नौलखा भंडार एज ए बैंक ट्रेजरी माणा का खजाना। उस वक्त सोने चांदी की मोहर चलती थी, बड़ा सोने का सिक्का लार्ज स्केल पर वहां पड़ा रहता था प्रजा की भलाई के लिए। और नीचे जो गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है चूना निकालने का स्ट्रक्चर। हमारा चित्तौड़ में लाइम स्टोन की खदानें हैं, माइसें हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज है। जैसे बैल घूमता है गन्ने का रस निकलता है, चूना पत्थर अंदर डाला जाता था, उसके अंदर चिकनी डाले गुड़ गोल्ड मिक्स किया जाता था, चूना निकलता था उसे पकाया जाता था। सीमेंट 100 साल, चूना 1000 साल। ये जितना भी निर्माण है चूने से है, तोड़ने पे ही टूटे हैं, बाकी आज भी भव्य खड़े होते हैं। हमारे मेवाड़ी में बोलते गरड़ गट्टी, यहाँ की लेडीज बहुत पावरफुल होती थी, सुबह 3:30-4 बजे उठ जाती थी और पूरे परिवार का गट्टी में आटा पीसा जाता था। घूंघट नहीं था, घूंघट प्रथा थी नहीं, ये सारी मुगलों की देन है। मुगलों से बचने के लिए घूंघट शुरू हुआ, फिर ये राजस्थान का कल्चर ही हो गया था। अगर घूंघट होता तो चेतन जादूगर पद्मिनी की शक्ल नहीं देखता और जाके अलाउद्दीन को खूबसूरती के बखान नहीं खाता, इसलिए घूंघट नहीं था। अब ये सामने देखिए मंदिर है, देवनारायण जी का स्थान है, लोक देवता राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादाजी। जब भी युद्ध के लिए जाते थे अपने हथियारों की यहीं पर पूजा करने के बाद जाते थे, कोई भी युद्ध नहीं आ रहे, वो सूरवीर थे, उनके शरीर पर 80 घाव थे, ऐसा माना जाता है। वो निर्जीव आदमी को सजीव कर देते थे, जब अपना मुकुट उतारते थे तो साथ गंगा जाती थी अंदर से। उनकी फौज में 1,00,000 सैनिक और 10 करोड़ रुपए उनकी उस वक्त वार्षिक इनकम थी। संग्राम सिंह नाम था उनका, बाद में उन्होंने उपनाम दे दिया राणा सांगा। हमारे मेवाड़ की सीमा बापा रावल राणा सांगा के टाइम पे काबुल कंधार, इतिहास बोलता है पाकिस्तान में रावल पिंडी बापा रावल ने ही उसको बसवाया था। सामने व्हाइट पैलेस, फतेह प्रकाश महल, महाराणा फतेह सिंह जी दरबार ने 130 साल पहले जब भी वो हंटिंग के लिए आते थे उनका रात्रिधन यही हुआ करता था। हंटिंग का मतलब ये नहीं होता था जिस जानवर को देखा उसका शिकार खेल लिया, जो आदमखोर होता था उसी का शिकार किया जाता था। हमारे महाराणा कभी खुद को महाराणा नहीं मानते थे, महाराणा होते थे भोले बाबा शिव शंकर एकलिंगनाथ, खुद दीवान सेवक के रूप में कार्य करते थे और बिल्कुल शुद्ध साकार होते थे। नॉनवेज वगैरह कुछ यूज नहीं आता था क्योंकि शिव भक्तों का वैसे भी नॉनवेज यूज नहीं करेगा। अब ये कब शुरू हुआ ईश्वर जानता है। क्षत्रिय वो है जिसके आगे शास्त्र है, पीछे शस्त्र है, मुंह में गायत्री मंत्र है, वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय मीन रक्षक। ये गंदी आते बाद में शुरू हुई है। अगर महाराणा प्रताप नॉनवेज खाते तो उनको घास की रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप देखिए चीन कुर्सी टेबल का अलावा चीज खाता है, उसकी क्या हालत है? कोरोना से वही रहा है और कहीं नहीं रहा, इसलिए शुद्ध साकार बनिए। अपन तो चींटी को भी बचाते हैं यार, चींटी अपने पैर में नहीं आनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। है ना, ये आप विजिट करेंगे, इसके बाद आपको निकलना है, इधर से सीधे निकल जाना, गाड़ी साइकिल खड़ी करना, अंदर आएंगे 4 पॉइंट, विजय स्तंभ, गोमुख, समीपेश्वर महादेव का मंदिर है, भोले बाबा के अद्भुत दर्शन है, 3 रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो एक साथ जोर हुआ था कर्णावती वाला, वो आप पॉइंट विजिट करेंगे। थोड़ा यहाँ पैदल चलेंगे, उसके बाद वापिस आप इधर ही आ जाना, सीधे जाएंगे, आगे चलते रहना, 2-3 तालाब भी आएंगे। पहला आएगा हाथी कुंड, माणों के हाथी घोड़े पानी पीते थे, फिर आएगा इधर फत्ता जी का तालाब, वो सामने फत्ता जी की हवेली आएगी हाइट पर, है ना, जयमल फत्ता जी के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, है ना, वो आएगी। और उसके जस्ट आगे आप जाएंगे काली मंदिर, पहले सूर्य मंदिर, उसके बाद में आपको कुल देवी माँ काली माँ की स्थापना की गई, वहाँ आप दर्शन करेंगे, फिर आप जाएंगे पद्मिनी पैलेस, वही जो अलाउद्दीन को बोलते हैं कि पद्मिनी का चेहरा नहीं दिखाया, उसकी हम सकों को दिखाया गया था, है ना, क्योंकि इसका काफी विरोध भी था। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, उन्होंने ये बोला था जिसको हिस्ट्री से प्रेम नहीं वो इंसान नहीं, क्योंकि अपना सारा संस्कृति हिस्ट्री में छुपा हुआ है। उनका एक गोरा होने वाला था हिंदुस्तान का, जब वो हिंदुस्तान आ रहे थे अपनी माँ से पूछते हैं, माँ मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ आपके लिए, वहां से मैं क्या लेके आऊँ, तो उनकी माँ का ये जवाब होता है, बेटा उस हिंदुस्तान उस हल्दीघाटी से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आना जहाँ का महाना अपने प्रजा की प्रति इतना वफादार था, जिसने आधे हिंदुस्तान के राज को ठोकर मारा, वहाँ की मिट्टी लेकर आना। आज भी यूएसए और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री की बुक्स है जिसमें यह सारा वर्णन किया हुआ है। आप पैसे के लिए हिस्ट्री का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, हिस्ट्री से जनता की भावनाएं जुड़ी होती है। विरोध अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट था, अगली बार कोई भी निर्माता निर्देशक मूवी बनाएगा इतिहास से छेड़खानी
नहीं करेगा। संजय लीला बंसाली ने क्या किया था, आज से 250 साल पहले मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था, एक लव स्टोरी, तो वो इसी थीम पे उस मूवी का निर्माण कर रहा था। जैसे अनलोडिंग ड्रीम देखता है पद्मिनी के साथ, जनता थोड़ी मानेगी, तो ये फिर घंटे डेढ़ घंटे की कटने के बाद रिलीज हुई थी। और हमारे राजस्थान में ये मूवी आज भी बैन है, राजस्थान में ये मूवी बिल्कुल रिलीज ही नहीं हुई, ना कोई यहाँ शूटिंग हुआ, सारा उसने बॉम्बे में सेट खड़ा करके बॉम्बे में ही शूटिंग किया गया था। उसके बाद अगर आप साइकिल अगर थोड़ा चलाना चाहेंगे तो ये पूरा एक राउंड होगा आपका, है ना, 13 किलोमीटर का, ये सीधा रास्ता ऐसे गोल घूम के नीचे ही उतरेगा। 13 किलोमीटर? हाँ यस सर, 13 किलोमीटर है। फिर आगे आएगा सूरत पोल, जो मेन एंट्री मैंने आपको बताया, इस किले की मेन एंट्री उधर ही है सूरत पोल, है ना। उसके बाद विजय स्तंभ जैसा एक और टावर आएगा कीर्ति स्तंभ, वो जैन दिगंबर आदिनाथ जी को समर्पित है, 7 मंजिल 75 फीट 54 स्टेप, 1200 ईस्वी भगेरवाल जो जैन होते थे उनके पुत्र जीजा ने उसका निर्माण कराया था। विक्टी टावर का निर्माण किया था महाराणा कुंभा ने करवाया था, है ना, 9 मंजिल का है, 122 फीट का हाइट है, 157 स्टेप सीढ़ी है। ऐसा मानते हैं कीर्ति स्तंभ की कॉपी इसको की गई, लेकिन अभी इसको 2.5-3 साल से परमानेंट बंद किया हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, है ना, कोरोना के टाइम से ये अभी परमानेंट बंदी किया गया है ना सर। फिर आप ये घूमते घूमते नीचे निकल जाए, आप अगर यहाँ जाना चाहते तो गाड़ी साइकिल लगा के और अंदर दर्शन कर लीजिए, है ना, फिर जाना इधर ही आपको, ये देख के